इधर भाग दो आगे ना अभी दो। गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी सुबह का 7:30 हो गए, तो हम लोग अभी एक पेपर है बोल के हम लोग जल्दी सुबह उठ के जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। यहाँ पे सुबह सुबह ठंडा लगता है वैसे, तो आज सर का बर्थडे भी था, तो हम लोग जाते टाइम मिलेगा तो उधर सोप से केक भी लेके जाएंगे। सुशी केक लेके चलते हैं ना, तो केक ले लेंगे उधर। तो अभी उधर करेंगे। ये जो गुड मॉर्निंग, ये जो पीछे देख रहे हैं ना, ये अन्ना इतना स्ट्रीट है, ये सिक्योरिटी आना पूछो मत। हम लोग जहाँ भी जाओ कहीं पे इधर बहुत धूप आ गई ना, अभी नहीं लिया, अभी सुशांत सुशी को दुरा रहे हैं। देख आने का टाइम में बोले नहीं लेंगे, तो अभी फिर दोबारा हम लोग केक लेने के लिए आ गए सर। तो अभी जल्दी लेते निकलते बाद में लेके मिलते हैं। अभी केक ले लेते हो, केक ले लिया, अभी नाम लिख पा रहे हैं, उधर पैकिंग चल रहा है। मुझे नाम कीर्ति लग रहा है चल के, ये लड़की की वजह से दौड़ना पड़ा है, सुशी की वजह से हम लोग केक लेके जाते हैं डायरेक्ट। मेरे वजह से हमेशा सुशी को काम करवाते, दोनों मिलके केक लेके आ गए। तो अभी हम लोग चल के, पता नहीं हम लोग को सर को कैसे लगेगा, फिर भी हम ले लेते। डर तो लग रहे मुझे, कभी ऐसे नहीं दिया ना, सर को कैसे लगेगा पता नहीं सरप्राइज। तो हम लोग केक लेके आ गए, तो हम लोग लेके जाते हैं बाद में मिलते हैं। अभी एग्ज़ाम का भी टाइम ही हो गया, ऐसे टाइम में केक दौड़ के लेना। अरे माजी, तो हम लोग पेपर दे कर आ चुके हैं रूम में, क्योंकि हम लोग जाते केक काट लिए जल्दी जल्दी, 2 मिनट था। उसके बाद केक काटने के बाद हम लोग का एग्ज़ाम का टाइम भी हो गया, तो जल्दी जल्दी से हम लोग केक काट करके तो हम लोग एग्ज़ाम हॉल में चले गए, क्योंकि एग्ज़ाम होने का टाइम हो गया, 9 बजे से एग्ज़ाम था। तो हम लोग उधर कॉलेज में पहुँचे थे ऐसे 1:30 को। तो हम लोग जल्दी जल्दी पास दुकान में जाकर हम लोग केक ले लिया। केक लेने के बाद सर के पास जल्दी गई, तो केक कहा था फोटो वो सब कुछ नहीं निकल पा रहे, तो हम लोग जल्दी जल्दी निकल के केक काट लिया। केक काटने के बाद हम एग्ज़ाम हॉल में चले गए। उसके बाद एग्ज़ाम शुरू हो गए। एग्ज़ाम शुरू होने के बाद आज तो 2 पेपर था, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया हम लोग 12:00 को। तो 12:30 ऐसे आते आते रूम में आ गए। अभी 1:30 हो गई, क्योंकि कॉलेज हॉस्टल से कॉलेज दूर है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग आने का टाइम है अगर इतना धूप है तो आने के टाइम आ गए। तो अभी हॉस्टल पहुँच गए, तो अभी फ्रेश होकर हम लोग आएंगे, तो बाद में आप लोग से मिलते हो। एग्ज़ाम तो उतना अच्छा नहीं गई, पता नहीं देखा जाएगा रिजल्ट कितने। सुशी एग्ज़ाम कैसे गए बता, मेरा एग्ज़ाम तो बेकार गया, पूरा बकवास गया। एग्ज़ाम कैसे गई बता, मेरा तो अच्छा नहीं गया, पता तुम्हारा कैसा गया। रिजल्ट की टाइम ही पता चलेगा, अभी तो हम लोग पेपर देख रहे हैं। अभी पता नहीं जिस दिन एग्जाम होगा तब पेपर किया, आज 2 पेपर था तो हम लोग दोनों पेपर दे के आ गए। पता नहीं फिलहाल कैसे होगा, तो जल्दी जल्दी सुशी और हम दोनों रूम ऑलरेडी चले, तो हम लोग फ्रेश होते अभी से बाद में मिलते हो, पहले फ्रेश हो जाते हो। उसी टाइम हम लोग ये ऑनियन लेके आ गए, साथ में ये चिकन लाया था। यहाँ पे ऑनियन 1 किलो 20 ऐसे है, वैसे 7 किलो लेगा तो 100 से मिल जाएगा। तो सारा सामान भी था, तो ऐसे हाथ पकड़ के हाथ तरह तरह और ऊपर से नीचे से ऊपर तक चल के ना, अभी तक खाना नहीं आया। तो बाहर में बहुत गर्मी है, लेकिन रूम के अंदर रहता तो ठंडा ही लगता है, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है बेंगलोर का, रूम में रहने से थोड़ा ठंडा लगता है जब, और सुबह सुबह होता तो मिडनाइट होता तो ठंडा भी लग जाता है, हल्का बदला सा कंबल लेना पड़ता है, नहीं तो ऐसे नहीं सो पाते, ठंडा है। वैसे बाहर जाने के लिए बाहर जाता तो बहुत गर्मी होता है तब, क्योंकि यहाँ का धूप बहुत मतलब बहुत गर्मी वाला है ऐसे। तो इसलिए तो बाद में आप लोग से मिलते हो, पहले मैं नहा लेती हूँ, जाते थे नहीं नहाया क्योंकि सुबह सुबह चली गई थी हम लोग। तो अभी फ्रेश तो हो गया हम दोनों, खाना खाने के लिए बैठ थे, तो कुछ सलाद बना के खाएंगे सोचा था, तो चिकन भी बॉइल किया था वो सलाद बनाएंगे, तो नमक नहीं है। तो फिर से हम लोग ये हॉस्टल का पास में दुकान में जा रहे हो नमक लेने के लिए, तो जल्दी से जाते हैं, जल्दी से लेके आते हैं नमक लेके आके बना के खाना भी है। तो नहीं फिर से गेट लॉक करके रखा कि नहीं, अब मुझे बाहर आने नहीं दे रहे, मैं भी आ गई सुशी के पास, एग्ज़ाम को अलाउ दिया और एग्ज़ाम को अलाउ नहीं कर रहे, तो मैं दौड़ के आ गई। अक्का कितना है ये सुबह एस तो ये टूटल एस तो 48। तो अब हम लोग नमक और शुगर ले लें,
कितना 48। और हम नमक और शुगर लेके जा रहे हैं ऊपर, साथ में ये खाने का कुछ हक्का नहीं दिया है। यहाँ का सिक्योरिटी ना इतना देखने का, मैंने हम लोग दो दिन के लिए यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आया, उसके लिए भी इतना स्ट्रिक्ट है जहाँ भी जाऊँ। लेकिन एक्चुअली कितना था, 7:30 तक है ना हम लोग का हफ्ते खत्म, 7:00 फिर भी हम लोग को जाने नहीं दे रहे। थोड़ा सा भी कुछ काम के लिए बाहर जाने के लिए खोजते हैं तो यहाँ पे बोलते रहते हम लोग को ना गाना था समझ में आ रहे या उनको हिंदी आ रहे, तभी फटाफट जल्दी से चलते हैं रूम में। सुशी जल्दी, भूख लग रहा है। अब रूम पहुँच गई, अंदर जाते थक गई, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अब बनाती हैं। ये बनाने के लिए ले जाना बड़ा खाने का उस टाइम, और ये चिकन लेके आया था, ये बनाने के लिए बैठी तो थोड़ा सा खाना के साथ बना के खाएंगे। तो फिर नमक नहीं था, नमक ख़त्म हो गई, तो पास दुकान में जाने के लिए हम जा रहे हैं, तो हम लोग को जाने के लिए नहीं दे रहे। तो मैं चल इधर दौड़ के आए ना, तो मैं ठीक से नहीं बोल पा रही, तो खाना खा लेते हो पहले, खाना खा के मिलते हैं आप लोग से। अब खाना खा लेते, बहुत देर से भूख लग रही है हम दोनों को, तो खाने के लिए बैठ गए तो फिलहाल खा लेते हैं। अभी दिखा देती हूँ मैं सब्जी हम लोग कैसे बना के खाई। ये वाला जो चिकन लेके आया था ये बॉईल किया, उसके बाद ये तो हॉस्टल का है, ये पूरा करी पत्ता का स्मेल आ रहा है। हाँ, और ये टमाटर का चटनी किया था। तो ये सब सब्जी हम लोग बॉईल करके ऐसे ही मुश्किल से खाते हैं, उसके बाद नहीं तो नहीं खा पाते, ये सब्जी से नहीं खा पाते। अब इसको भी हमारा खाना खिला रहे बॉईल कर करके, इसको भी सुशी को भी, हमारे त्रिपुरा की खाना क्या करे तो नहीं करे। घर जल्दी घर जाने का मन हो रहा है ना सुशी, जल्दी से घर जाने का मन हो रहा है। ये खाना सब देख देख के तो याद आता घर का। चलो खाती है, खा लेते हैं उसके बाद बाद में मिलते हो। अब हम लोग का खाना हो गई तो थोड़ी देर सो जाते हो, बहुत थक गई, बहुत नींद भी आ रहा है खाना खाने के बाद। तो खाना तो जैसे भी खा लिया अभी, तो फिर रात को खाना होता तो कुछ ना कुछ बनाना होता है। पता नहीं हॉस्टल में किसके किसके साथ ऐसे ही होता है, पता नहीं हॉस्टल का टाइम, लेकिन जब भी हम लोग हॉस्टल में रहता तो वैसे ही होता है, बाकी के साथ होता है कि नहीं पता। तो और एक जन तो सो गई नीचे, तो मेरा बेड तो ऊपर में है, तो एक बेड में दो होता है नीचे और ऊपर करके होता है, तो मेरा ऊपर वाला बेड में। तो हम लोग लाग तो ऑलरेडी हो गया, खा के अभी सोने चले, तो थोड़ी देर सो लेते हो क्योंकि बहुत थक भी गई, तो सो के उठ के मिलते हैं, 1 आवर ऐसे ही सो जाएंगे। तो वैसे ही बॉईल करके कुछ ना कुछ बॉईल करके खाना पड़ रहा है, हॉस्टल का सब्जी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैसे मिलते रोज जब भी खाना आते तो सांभर या ऐसे राइस तो ठीक है, सब्जी थोड़ा सा भी नहीं खा पा रहे। आप मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ।